सोमवार सुबह सेंट रेफर्स स्कूल में छज्जा गिरने की घटना के बाद प्रशासन के अधिकारियों ने कार्रवाई का निर्णय लिया है। प्रशासन के अधिकारी और स्कूल शिक्षा विभाग अब टीम बनाकर स्कूलों का लॉयल्टी टेस्ट करेंगे। इस दौरान किसी स्कूल में खामियां पाई जाती हैं तो तुरंत कार्रवाई भी करने की मुहिम छेड़ी जाएगी। दरअसल सोमवार सुबह सेंट रेफर्स स्कूल में छज्जा गिरने की घटना के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना के बाद प्रशासन की टीम मुस्तैद नजर आ रही है। स्कूल प्रबंधन स्कूल के जिस हिस्से में रिनोवेशन करवा रहा था उस हिस्से में किसी तरह की बैरिकेडिंग या आवाजाही पर रोक नहीं लगाई गई थी। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों का एक दल बनाकर जिले के सभी निजी और शासकीय स्कूलों का दौरा कर खतरनाक भवनों को चिन्हित करेगा और स्कूल प्रबंधन की खामी के चलते स्कूल संचालन पर रोक भी लगाई जा सकती है। नगर निगम के साथ समन्वय करते हुए ऐसे खतरनाक भवनों को चिन्हित करने का काम लगातार चल रहा था और कई भवनों को गिराया भी गया है। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में पुनः नगर निगम से और शिक्षा विभाग से हम लोग जांच के लिए कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ऐसे भवन जहां पर कि बच्चे अध्ययनरत थे उनके स्कूल के प्रबंधन को सूचित करेंगे कि ऐसे भवनों में स्कूलों का संचालन न करें और उनको गिराएं। गौरतलब है कि सेंट रेफरेंस स्कूल की 40 साल पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा पिछले कई दिनों से जर्जर हो रहा था। इससे दो मंजिलें जुड़ी थीं। यह इतना भारी भरकम था कि जैसे ही गिरा कई कक्षाओं की दीवारों में दरारें आ गईं।